साथ सब चीज के दावे कर रहे हैं। अब जो मैदान में रहता है अब वो हार की बात क्यों कबूल करेगा, जीत की उम्मीद के साथ जीत के उत्साह के साथ ही लोग मैदान में उतरते हैं। इसलिए मैंने नतीजा जो है गिनती के बाद ही पता चलेगा, गिनती के पहले हर जो मैंने उम्मीदवार है हर पहलवान जो है वो दावा करता है कि हम जीतेंगे। इसलिए जीत की दावेदारी पर किसी को मैंने ऐतराज होना चाहिए ना शंका होना चाहिए। सब लोगों ने मेहनत किया है, मेहनत का प्रतिफल गिनती के दिन जो है पता चलेगा जनता क्या फैसला करती है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि कक्षा 9 से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मंडी में कहा। असल में देश को विश्वगुरु बनाने का अभियान जो है चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और गीता पढ़ करके विश्वगुरु बनने के दिशा में देश जो है अग्रसर होगा ये लोग मान के चल रहे हैं। अब गीता जो है वो युद्ध के मैदान में दिया गया उपदेश है, और उस युद्ध का नतीजा क्या हुआ ये अभी हम लोगों ने महाभारत में पढ़ा है कि जीतने वाला हारने वाला दोनों की जो दुर्गति हुई है और पूरा जो मैदान है वो लाशों से पटा हुआ है, मैंने कोई रोहन हारा जो है नहीं बचा, ये स्थिति हुई है। तो जिस दिशा में ये लेकर के देश को लोग चल रहे हैं उस दिशा में जो है भविष्य का संकेत जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, ये अपशुकन वाली बात है। आप गीता पढ़ा रहे हैं जानने के लिए तो आपको सब धर्म ग्रंथों को पढ़ाना चाहिए, गीता ही अकेले क्यों, और गीता में किसका भाष्य आप पढ़ाइएगा, आदि शंकराचार्य से लेकर के अरबिंदो तक और महात्मा गांधी और विनोबा भावे तक ने गीता के अपने अनुसार जो है व्याख्या किया है, तो जाकी रही भावना जैसी उसी हिसाब से गीता को सब लोगों ने देखा है, इसलिए इसका कोई तुक नहीं है समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए 5 से 8 अप्रैल तक भेज जारी किया। ठीक है, इस पार्टी का अपना काम है, और पार्टी को लगता होगा कि नहीं साहब हमारे विधायक जो है सदन में नहीं रहेंगे, हमारे विधायक जो है जवाबदेह नहीं है तो निकल मत जाएं, इसलिए ये भी जो है जारी किया है। अगर ये रहता कि नहीं हमारे भी सांसद जो है अनुशासित हैं और जो संसद का समय है पूरे समय वहाँ बैठे रहेंगे तो भीप की जरूरत नहीं पड़ती। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब है लेकिन भारत की हालत श्रीलंका से भी खराब है, यहाँ ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की गई है, केंद्र सरकार को CBI और ED के उपयोग करने के बजाय हमारे देश में आर्थिक संकट पर चर्चा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को बुलाना चाहिए, वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा। अब इसको हम दो हिस्से में देखते हैं, एक तो यहाँ जिस ढंग से CBI और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है एक अलग बात है, लेकिन लंका वाली स्थिति के साथ हम हिंदुस्तान की तुलना अभी नहीं कर, मैं इससे सहमत हम नहीं हैं। लंका की स्थिति बहुत ही खराब है, वहाँ जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, कई जगह लाठी गोली का इस्तेमाल जो है हो रहा है, बहुत भयानक स्थिति है वहाँ। उस तरह की स्थिति हिंदुस्तान में मैंने नहीं आई है और हमको नहीं लगता है कि उस तरह की स्थिति जो है हमारे देश में आनी चाहिए। इतना मैंने अकल लोगों को होगा कि वहाँ तक मैंने स्लिप करने नहीं दे देश की स्थिति को। बाकी जो है जहाँ तक ED और CBI का इस्तेमाल है वो तो बिल्कुल बेशर्म की तरह भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, सबको दिखाई दे रहा है। PM को आगे आना चाहिए और हिंसा की निंदा करनी चाहिए, भले ही इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कानून और व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, हिंदू हो मुस्लिम जो भी असामाजिक हो उसे सजा मिलनी चाहिए। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने 2 अप्रैल को करौली में धार्मिक जुलूस पर जो पथराव किया गया था उसको लेकर, ये बिल्कुल सही बात है। अब जो सरकार है जो राज्य है जो शासन है वो अगर हिंदू मुसलमान ब्राह्मण हरिजन में भेद करेगा तो देश चलाना ही संभव नहीं, इसलिए जो मैंने राजधर्म है जो भी कुर्सी पर बैठता है उसका राजधर्म क्या है भाई, राजधर्म यही है कि संविधान जो कह रहा है सबको बराबरी का अधिकार दिया है, सबको आप एक नज़र से देखिए, अगर राजा जो है भेद करने लगे हमको एक नज़र से आपको दूसरी नज़र से तो राज जो है चल नहीं सकता है।
तो अभी हालत ऐसी है कि हरिद्वार में जो संत समागम हुआ था उस समय जिस ढंग से मुसलमानों को मारने के लिए मैंने जनसंहार करने का दिया गया था, वही जो साधु थे गिरफ्तार हुए थे और फिर दिल्ली में उन्होंने उसी तरह का भाषण किया, फिर उन पर उसी तरह का मामला जो है दर्ज हुआ है। ये जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, इस पर भारत सरकार और खास करके प्रधानमंत्री जी जो है आंख बंद किए हुए हैं, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इस पर जो है अगर सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं करेंगे तो छिटपुट जो घटनाएं शुरू हो रही हैं उनका रूप कब बड़ा हो जाएगा ये कहना कठिन है।